रोई, इतना रोई, हे भगवान। तो असोज के महीने से मेरे को डर नहीं लगता, बस इन कुमरों से लगता है जो मेरे पे चिपक जाए। ये ना उन्हें दिखा नहीं ना, हम यहाँ पालकुनी लगा रहे हैं लगा। ना ये हमारे दुमे लगा के हवे जा जाए इसमें जा। यहाँ पर मेरे साथ मेरी दगड़े सोगरे आ रखी है, जिसपे एक कौड़ी का सगोर तो नहीं है, और मैं इन सगोर चीख तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। और मैं ये देखो, मैं ये ले जा रही हूँ होटल, तो अभी हम इस पर लगाएंगे खुम। तो हमने अभी घास पहले यहाँ से भी ले जाना है, नीचे से भी लाना है, और फिर उसके बाद हम लगाएंगे खुम। तो चलिए, आजकल असूज के महीने में अपनी नौकरी यही है। अरे ये तो भारी हो रहा है, तो अभी मेरे को पता नहीं है कहाँ पे लगानी है, बट मैं ये नीचे ले जा रही हूँ। तो देखते हैं आगे आगे, पापा भी यहाँ पे बैठे हैं कि कहाँ पे लगाना है, मम्मी जी पता नहीं कहाँ है। माँ कब्ज, माँ अच्छा माँ पुकारवाणी तो यहाँ पे बैठे हैं पापा जी सबल लेके, क्योंकि पापा ही इस टैल को अपनी जगह में लगाएंगे। मतलब पहले वहाँ पे खड्डा करेंगे, उसके बाद डालेंगे। तो अभी मैं यहीं पे रख लेती हूँ, बहुत भारी हो रहा था। तो अभी मम्मी गई है घास बांधने दूसरी जगह में, अभी आएगी फिर बताएगी कहाँ पे घटना है ये टैल हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे भी हमारा घास है, फिर आज हम लगाएंगे खुम। तो अभी मम्मी नहीं है, नहीं तो मैंने मम्मी से ही ब्लॉगिंग करानी थी। तो बहुत मस्त हो रखा है, बिल्कुल अब ठंडा शुरू हो गया है, इसलिए मैंने जैकेट पहन ली थी। बट अभी यहाँ पे धूप आ रखी है, तो इतना ठंडा नहीं लग रहा है। तो सुबह शाम अब गांव में ठंडा होने लग गया है। तो अभी चाय पी के आई शाम के टाइम की, और फिर मैंने जैकेट भी पहन ली थी, बट शायद उतार दूँगी, यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है। बाकी आप लोग इधर देख सकते हो कैसा कर रखा है सुअर ने। पापा जी भी आ गए हैं, यह तो मिलते हैं आपको जल्दी, ठीक है थोड़ी देर में। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से यहाँ के पहाड़ के लोग खेती करते हैं, और बाकी ये बंदरगुनी आके पूरा बर्बाद कर देते हैं। देखिए पेड़ों में ऐसे घूम रहे हैं अभी, देखिए डर भी नहीं रहे हैं पूरे। यहाँ पे देखो अभी ये देखो डर भी नहीं रहे, डराने आएंगे पर डरेंगे नहीं। तो दोस्तों, अभी हम बांध रहे हैं घास, हमारे पास दराती तो नहीं है, पर मेरे साथ मेरी दगड़े सोगरे आ रखी है, जिसपे एक कौड़ी का सगोर तो नहीं है, और मैं इससे कुछ उम्मीद नहीं रखती काम के मामले में। बस एक केक वूक तो अच्छा बना लेती है, बाकी तो भगवान जाने, और खाना तो बहुत टेस्टी बनाती है। बाकी ऐसे कामों में तो है ना, यह ए मेरी सागोर या तेरे सगोर क्या बन साबास, ये हो गई है पास, वेरी गुड। आप और घास काट के लोगों के साथ असूज के महीने में जा सकते हो, आप हो गई हो पास। ये इसकी मम्मी की स्वेटर है, हमारी चाची की, ये देखिए चाची यहाँ पे ही डांस कर रही है। साबास गोरिया तेरे सगोरे के बोल, चल। तो दोस्तों, हमने थोड़ा से यहाँ पे घास बांधा, अब हम जा रहे हैं नीचे, फिर हम नीचे से लाएंगे दूसरा वाला घास। हाँ तो दोस्तों, हम एक जगह से घास ले आए हैं बांध के, मैं और मेरी दोस्त, ठीक से इसका सगोर देख रही हूँ मैं। तो बाकी तो कुछ नहीं, ये मेरे साथ काम कर रही है, मेरे लिए तो उतना ही बहुत है कि ये आई। तो वो बोलते हैं ना साथी हाथ बढ़ाना, तो वही है, ये मेरी साथी मेरे साथ रह के बहुत उल्टे काम किए हमने। बहुत उल्टे काम किए हमने, वेरी गुड। असूज का मैंने इसके लिए आज ही लगा है, क्योंकि बाकी टाइम तो ये बेकरी में जाती है, आज इसे टाइम मिला है, तो आज ही मेरे साथ आ गई थी।
तो चलिए अब हम घास लगाते हैं पहले, फिर मिलते हैं आपको, क्योंकि अभी हमने खुम लगानी है। मम्मी चली गई है दूसरी जगह, है ना कालो? कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, मेरे हाथ चिर रहे हैं। तो कालू से पूछते हैं क्या हुआ आज असूज के महीने में। हाँ जी बोलिए। मेरा हाथ चुड़ड़ेगी। हिंदी में बोलिए, समझ नहीं आ रहा है। मेरे हाथ घिसड़े गए। ये बोल रही है मेरे हाथ घिसड़े गए हैं। बल वाओ नाइस हिंदी, चुड़े गए घिसड़े गए, बस इतना ही लगा, भारी हो जाएगा भी। तो इसने लगा लिया है, अब मैं लगाती हूँ यहाँ पे खुम, और फिर आपको मिलते हैं जल्द ही। ओके हेलो गाइस, तो ये यहाँ पे संचे लगा रही है। तो नहीं नहीं देख, वाओ हमारा गांव कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। वही अभी अभी मैंने लगाए, पर वो फंजे ना यहाँ पे आ गई मुंह के सामने, कुछ आगे को दिखाई नहीं कि क्या है। हेलो गाइस, तो ये तन्नु का सगोर है, घास में रस्सी दम मुंह पे आ रहा है। ये देखो इसकी आंखें भी नहीं दिख रही है। तो मिट्टी डाला जान रखूं। ओह माय गॉड, ये देखो हम पहाड़ी है। मैं तो आज ही बनी हूँ तन्नु, हम पहाड़ी है, हम काम करते हैं। ये देखो ये ला रही है इन सगोर चीख। इस पे हमारी प्रकुंडी लगेगी। असूज के महीने से डर नहीं लगता साहब, डर तो इन कुमरों से लगता है। नए नए कपड़े हमारे कुमरों में धोने पड़ते हैं, अबे टांगने पड़ते हैं घूणी भगाने के। देखो जरा कितने सारे कुमर, और ये तो चलो निकाल भी दूंगी मैं, पर वो जो होते हैं ना ढेबरा कुमर उनसे मेरे को बहुत डर लगता है। एक बार मैं गाय चराने गई थी, मैं नई सूट पहन के गई थी अपनी, क्योंकि मेरे को कहीं जाना था, तो मैंने कहा चलो ऐसी चली जाती हूँ, पर उसमें ढेबरा कुमर लग गए। उफ मैं इतना रोई हे भगवान। तो असूज के महीने से मेरे को डर नहीं लगता, बस इन कुमरों से लगता है जो मेरे पे चिपक जाते हैं। तैयार है, ये देखिए मम्मी बोल रहे इसको जहाज बोलते हैं सूच के महीने में उड़ने के लिए। तो मेरी मम्मी तैयार है। कहाँ जा रही है तू? जहाज में ऊपर जा रही हूँ मैं। कहाँ? ऊपर डुबे लगाऊँ। मम्मी बोल रही है ऊपर जा रही हूँ, बोल मैं डुबे लगाऊँ मैं वो ऊपर जल विहार में उतरूंगी मैं। जल विहार में उतरूंगी बस। Yeah. मेरी मम्मी का टैलेंट। हिंदी में बोलो दगड़े हो, घर आओ, घर जल्दी घर गांव में आओ, और ये जहाज में बैठो, यहाँ जहाज उड़ रहा है ऊपर है। ये डुमेला कहाँ की जहाज है? तो दोस्तों देखिए हमारी बोड़ी और हमारी दीदी जी भी आ गए हैं घास लेके। हेलो दोस्तों, इना उन्हें भी दिखा नहीं ना। हम यहाँ पालकुनी लगा रहे हैं। लगा रही है और आप आ जाए ना, ये हमारे डुमेला गाँव के हवे जा जाए इसमें जा। देखो ऊपर गांव भी देख रहे हैं, ये देखियो ना बल्कि ऊपर गांव इधर से दिखेगी, आगे को करो ना उधर को। अरे पैर छोड़ कर कना करो रही ना कुमा। अच्छा ही ना है कब दिखने नहीं दिखने यार, मत्थी तो दिखे ना तालीस कह रही। हाँ ये हमारे गांव देख रहे हैं। हाँ ये हमारे गांव देख रहे हैं, और ये जहाज है, ये हमारे गांव है ऊपर।
और नीचे हम ये पलकुंडी लगा रहे हैं और हमारे यहाँ ये जहाज है, एयरपोर्ट का जहाज दिल्ली का, हाँ दिल्ली का, इंदिरा गांधी के एयरपोर्ट में उतरना है। इंटरनेशनल हाँ, वो जल विहार में वो उसका अड्डा वहीं उतरना है। ठीक है जा, अब मैं उतर रही हूँ, मैं नीचे उतर रही हूँ, देखो है, देखो मैं नीचे उतर रही हूँ और लग गई उतर गई है मम्मी। दोस्तों मम्मी ब्लॉगिंग करती है तो मजा आ जाता है यार, खतरनाक हंस हंस के हैं ध्यान निकाले तो लग गई है हमारी खुम तैयार है, अब हम भी घर जाएंगे, मैं तो घर जाऊंगी। लग गई ना खुम, कुछ बोलना चाहते हो? क्या बोलना चाहे, हमें हम जा रहे हैं घर, जाओ तुम घर, हम घास काटते हैं, जुल्ले दे दो, और हमको तो आ गई खैर खुम में पहुंच गए तुम, जहाज में, जहाज में पहुंच गए हम। बाय 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 करो जरा, इन तो बोल दे कन लग बताया, कमेंट करी अगर अच्छा लगो ब्लॉग, के बोलन गडल में बोलन दे, कुछ भी बोल, अगर अच्छा लगो ब्लॉग तो लाइक कमेंट करया, शेयर करया। और मौसम बहुत अच्छा लगनो, चल दो तब हम घर, और तो मम्मी जानी घास करना खान, मैं जानो घर। क्या हो रहा है ये है मेरी शॉपिंग मेटेरियल। अरे हाय कैसे हो लगा लगा टूट में क्या क्या भाई ब्लॉग चालू भाभी जी नमस्ते, बढ़िया तुम बताओ, और ठीक चल जरा हाय बोल यार इन वाला दिल्ली वाला का ना छोड़ जरा, और घर वाले बढ़िया, और बंधु जी आ गए। हां जी गाइस, पहले आपको शादी की बहुत बहुत बधाई है, शादी की धन्यवाद, सालगिरह, हां मतलब शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। तुम लोग कोई नहीं, सब फर्जी होते हैं, आपने हमें बुलाया नहीं। अरे यार हद है यार, फोन बस फोन, हेलो करो जरा, हेलो करो जरा, कैसे हो बोलो दोस्तों, कैसे हो बोलो, कितने की शॉपिंग की बहन तूने दिल्ली से? ये थी 4,340 रुपए। ये 40 रुपए का हिसाब लगा, हाँ, उसमें खाने पीने का अलग है, उसमें भी खाने पीने का अलग ही था, वो हमने गिना भी नहीं। ये देखिए दोस्तों, इतनी शॉपिंग करके आ रखी है, और हमें तो मुझे कल को तो जलन हो रही है इसे, इसके थैले देख के, ये जल के पता क्या बोल रही है, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, हट हट ची ची ऐसे बोल रही है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और जी खा लिए, पता नहीं अप्रैल माई बर्थडे खुली जाना। दोस्तों भाभी मिल गई थी, उसके बाद हम बैठ गए और मार्केट जाने का प्लान था, वो भी कैंसिल हो गया है, तो अभी मैं आई हूँ और मैंने कद्दू रखा है उबालने अभी प्रेशर में। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, क्योंकि मैं इतना ही बना रही हूँ, आगे मैंने नहाने के लिए यहाँ पे पानी भी लगा दिया है, तब तक मैं जल्दी जल्दी आटा गूंथती हूँ और काम करती हूँ घर के। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड मेरे चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी का धन्यवाद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, लव यू ऑल।